हम अमेजोन के जंगल में हैं। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक सांप पाए जाते हैं। सभी भाइयों से अनुरोध है नीचे देख कर चले, और हमारे शिक्षक भी हमारे साथ हैं। ये देखिए सुमित सर हैं, और अभी सभी हम लोग आ रहे हैं। अभी हम लोग 6000 फीट की ऊंचाई पर हैं, और अभी हमें 12000 किलोमीटर और चलना है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का। तो जैसा कि अभी हम 10000 फीट की ऊंचाई पर आ चुके हैं, ये देखिए यहाँ से नजारा ऊपर आ गया है। जैसा कि हम सभी आज टूर के लिए आए हैं पहाड़ पर, हाय भाई, तो हम लोग आज नेचर को देखने आए हैं। हाय करना, नेचर देख लीजिए। ये क्या है? कौन हो? ये क्या रॉयल स्टेल? मतलब यहाँ किसी ने पौवा पिया है। इसे हम क्या समझते? ये देखिए कौन सा ब्रांड है। अच्छा ये है, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। और अभी हम हैं अमेजोन के जंगल में, और सर सर का जो है मतलब थोड़ा फिटनेस लेवल अभी घट चुका है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो फाइनली हम लोग अपने मंजिल के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, और अभी हम 14000 फीट की ऊंचाई पर हैं। अभी अभी हमें मिले हमारे अजय सर। सर कैमरा में हाई कर दिए सर। ये देखिए हमारे अजय सर हैं। आइए देखिए क्या मिला है, क्या मिला है सर। देखिए देखिए ये हमारा कच्चा हीरा, बहुत कच्चा हीरा है। ये बहुत सदियों पुराना है। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। और इसे हम हाथी के दांत से जाने जाते हैं। इसे ढूंढा है हमारे अजय सर ने, जो कि प्रकृति विशेषज्ञ हैं, और हमें मतलब होम साइंस पढ़ाते हैं। और देखिए यहाँ घाटियों में हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पीने का पानी चलता, पीने का पानी उपलब्ध है। और आइए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम 15000 की फीट पर आ चुके हैं। यहाँ से आपको पूरा अमेरिका दिखेगा। वाह क्या सीन है। और एक साइड हमारा अमेजोन का जंगल। आइए दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं 17032 फीट की ऊंचाई पर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का। यहाँ तक आने में हमें 54.5 सांपों का सामना करना पड़ा। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में। अब आप पूछेंगे 54 सांप कहाँ हुए? तो उसमें से 54 सांप जिंदा था, एक सांप जो था उसका आधा पूछ कटा था, तो उसने हमने आधा में जोड़ा। कितना हो गया? शुभम कुछ बोल भाई। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हाँ। अभी हम आ चुके हैं 15000 फीट ऊंचाई पर, तो हमें बहुत आनंद आ रहा है, हाँ। और वापस पीछे मुड़ कर देखने पर बहुत ही खतरा का एहसास हो रहा है। काफी मुश्किलों कठिनाइयों का सामना करते हुए हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो मैं आम जनता से विनती करूंगा कि वो आए तो प्रॉपर किट लेकर के आए, जैसे कि दो हमारा कुल्हाड़ी होता है, और एक सुरक्षा के लिए अपना कवच लेके आए, जूते बूट पूरा घूमना पहने, पीपी किट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सर्पों का कोई ये नहीं है। और यहाँ पे एक से एक हमारे प्रकृति के जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे अभी हमें तेंदुआ मिला था, ठीक है। तो काफी मुश्किलों के बाद हमने तेंदुए को मिलते रहता भाई लोग, सारे हमें आवाज निकालने पड़े, हाँ। तेंदुए को बहाने में शेर की आवाज निकली कैसे, अरे अरे हमारा जो तेंदुआ था वो हमसे दूर हुआ, हाँ। नहीं तो हमारी आज जान भी जा सकती थी। जुड़े रहिए हमारे कैमरामैन के साथ गोविंद जी, और मैं आपको दिखाता रहूंगा सपल खुली का। अरे सांप का मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का। ये हम आपको दिखाने के लिए खोले हैं, ताकि आप ऐसी गलती ना। अरे अच्छा हम ऊपर, सॉरी सॉरी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सॉरी यार हम तो भूल ही गए थे, टेंशन नहीं लेना, हाँ, जूता बांध दिखा रहे हैं आपको। आराम से दोनों फीतों को दोनों हाथों से ऐसे टानना है, फिर आपको ऐसे करना है, फिर इसको पहलल करके ऐसे घुसा करके टाइट कर दो, और आपका जूता सुनिए हम चुके हैं सुमित सर, जो कि हमारे सर्प विशेषज्ञ हैं। अभी हमें कई खतरनाक सर्पों का सामना कर पड़ चुका था, जिसमें कि एक हमारा 10 किलो का 12 फुट का एनाकोंडा था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो सर आप हमें बताइए उसे पकड़ने में आपको कितनी कठिनाइयां हुई? मैं देख के भाग गया। रुको जरा,
सबर करो सर, हमारे सूत्रों से तो पता चला है आपने काफी अच्छा सामना किया और सारे छात्रों को बचा लिया। हमारे सुमित सर एनाकोंडा को कितनी आसानी से पकड़ लिए, तो मैं आम जनताओं से और लोगों से यही विनती करूंगा कि आप ऐसी जोखिम नहीं उठाएं। जैसे कि हमारे सर है ये काफी मतलब एक्सपीरियंस के बाद ऐसा कर पा रहे हैं, आप कभी अपने घर पर ये प्रयोग नहीं करें। जो सांप होता है बहुत ही जहरीला होता है और समय पर आपको चिकित्सा नहीं मिलेगा, जान भी जा सकती है। हमारे एंकर जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे कैमरामैन गोविंद कुमार और निर्देशक हमारे सुमित सर। तो सर आप दो शब्द बोलिए। सर बोलिए सर, कैमरामैन रवि रंजन के साथ, जिन्होंने ये कुछ जरा जितना कुछ सारा व्याख्या किया एक्सप्लेन किया सारा कुछ झूठा। हमने उसे छोड़ दिया ताकि वो आम जनता के बीच में नहीं आए, उनका मतलब सांपों का भी शिकार नहीं हो और हमारे किसी मतलब मनुष्य जाति का भी शिकार नहीं हो, पर्यावरण में बचे रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे। जय हिंद जय हिंद भाई। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आप लोग इसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लें और क्या बोलता है इलेक्शन में ऐड करवाएं, इलेक्शन में प्रचार करवा सकते हैं भाई से। आपको फिर से मिलवाते हैं शुभम के साथ। यो शुभम कुछ बोलेगा भाई? सेफ्टी है, सेफ्टी कुछ बोलेगा भाई? भाई को देखो पसीने पसीने और आ रहा है। कुछ बोलेगा शुभम? हां चलिए सूरज, सूरज सेफ्टी ले रहा। ओहो कैसा लगा भाई? अच्छा लगा ना, मजा आया? चल चल। अरे भाई बहुत परेशान हो गया, पूरा परेशान निकल रहा भाई को, कितनी मजा आ रहा है यार। ओहो भाई साहब घूमने का इंटरेस्ट, ये देखिए भाई लोग से वाह। धमका दो रोशन को, धमका दो रोशन को, धमका दो। कितने आदमी थे? दो को झाड़ियाँ वहाँ पे मिली हुई है। हाँ आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए आपको चाहिए दूरबीन। अरे वाह, कहाँ मिलेगा वो? सभी आप सभी के पास है। पहले तो आपको घबराना नहीं है, पहले आप ऐसे करना है। हाँ ये अच्छा वाला नहीं है, ये होल है। फिर इसको ऐसे करिए, होल से आपको दोनों को मिला लीजिए, फिर आप ऐसे करके देखिए। ये देखिए, इसमें आप देखेंगे कि आपको कुछ आंखों से ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे तो नहीं होता है, इसमें भी चैप्टर है, जो है आउटर लेंस लगा हुआ है। इसमें आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, उत्तल भी लगा है। जब अवतल उत्तल का मिलन होता है तो आपको काफी दूर तक दिखाई देता है। शाबाश बेटा। शुभम को बुर्ज खलीफा दिख रहा है, जन्नत जुबेर फैजूना से। ये क्या प्याज भी है? ओ प्याज भाई, प्याज भाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आपको मिलाते कहीं जुड़ जाता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ओफो, कुछ बता रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे रवि भाई, जैसे कि अभी हम ऑडिशन चल रहा था, हम अभी हमारे कैमरामैन गोविंद जी जुड़े हुए हैं और फलना ढगना हमारे कैसे मारे पीछे हमारे तेंदुआ शेर कुछ भी आ सकता है। भाई साहब आप देख ले, तेंदुआ से सामना हो गया था, तब कैसे क्या हुआ? क्या बोले मंतोष सर ने उन्हें तेंदुआ को भगा दिया। कैसे भगाया? उसके लिए स्किल्स चाहिए, मैन पावर स्किल्स। तो तेंदुआ को भगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? क्या करना है? पहले तो आपको घबराना नहीं, एकदम सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना सुरक्षा स्वयं करें। स्वयं करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रकृति में आप जब आ रहे हैं पहाड़ में टूरिस्ट करने के लिए, अरे भाई हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। ये आज हमारा शनिवार का दिन था, हम लोग टूरिस्ट करने आए हैं। मैडम हमारे साथ नहीं आई है क्योंकि इतना ऊपर वो नहीं चढ़ पाती। बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं बोलोगे बेचारा का, एक गुंगा हो गया, एंकर गुंगा हो गया, कुछ नहीं बोल पा रहा।
जवान नहीं है आपको दिखाई होगा कोई कुछ बोला अच्छा ऐसा दिमाग भी नहीं काम कर रहा खाली पेट है और बिड़पिया 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 खाली और बिड़ी से बेचारा संतुष्ट हो जाता ये देखिए कुछ मिला इसको मतलब खाली था यार पूरा मजा आ रहा है यहां पे कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये पहुंच चुके हैं और हमें अभी कुछ जंगली सुअर और जंगली बकरी दिखे और देख सकते हैं आपको हिरन भी दिख रहा होगा ये देखिए ये जो काला काला लाल लाल दिख रहा है ये हिरन है और अभी हम अमेज़न के जंगल में और आप देख रहे हैं हिरन लाइव टेलीकास्ट जो है हमारा आईएसए डिस्कवरी चैनल जुड़े रहिए कैमरामैन सोहन सिंह के साथ आप देख रहे हैं जीटीवी नेशनल और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हम यहाँ बीच जंगलों में फंस गए हैं और हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और हम लोग भटक गए हैं सर हम लोग को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा और हम बहुत ही प्यासे हैं तो हम जल की स्रोत में और आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ जुड़े रहिए कैमरामैन सुम के साथ जैसा कि हमने बताया हम जंगल में खो गए थे माउंट एवरेस्ट में तो अभी हम वहां से उतर रहे हैं हमारे सर ने रास्ता को पता करके हमारा मार्गदर्शन किया तो सुमित सर आप हमें बताएंगे आपने हमें जंगल से बाहर कैसे निकाला सर सर आप कैमरे में दो बात कहेंगे आपने हमें जंगल में खो गए जंगल से हमें कैसे बाहर निकाला कैसे ढूंढा आपने मैंने सर को फोन किया तो सर हम तो जंगल में खो गए थे आपने हमें कैसे ढूंढा ये जो आपका स्किल्स है सर फॉरेस्ट आपका नंबर पे मैंने फोन किया यस सर फिर आपने रिसीव किया तो सुना दोस्तों आप सभी ने कि सुमित सर जो हमारे फॉरेस्ट विशेषज्ञ हैं फॉरेस्ट विशेषज्ञ चल आगे चल उन्होंने हमें कैसे ढूंढा ये देखिए हमारे भाई जो है वो अभी कॉलेज की तरफ लौट रहे हैं और हमारा ये नेता दोस्त है ये हमारा कमलेश भाई है तो जुड़े रहिए आईएसए ग्रुप आईएसए टीवी के साथ मैं हूँ कैमरामैन शुभम सिंह और आपके साथ है सुमित सर और आप देख रहे हैं अमेज़न के जंगल में हो रही घटनाओं के बारे में और जैसे कि अभी हम जा रहे थे तो हमें एक मिला फेरस पत्थर जिसमें लोहा का ये है ये देखिए ये है वो पत्थर ये पत्थर में रोट आयरन का मात्रा जैसे कि अभी हम आपको दिखाएंगे ये देखिए देखिए सर ये जो था कि इसमें चिपक गया और देखिए इसमें छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं पर ये देखिए उठ नहीं रहा ये कितना जोर से चढ़ दिया है आप समझ सकते हैं ये देखिए तो इसमें हम पाते हैं कि इसमें मैग्नेट का गुण है ये देखिए हम चाबी कितना खींच रहे हैं लेकिन चाबी नहीं निकल रहा मतलब इसमें मैग्नेटिक फोर्स है ये मैग्नेट जो है फेरस मेटल को चाबी को टाना हुआ है चलिए हम कोशिश करते हैं अभी सब लाख से हटाने का नहीं तो हमें हॉस्टल से आज रात भर बाहर ही रहना होगा सर, सर, अभी सर, हम माउंट एवरेस्ट से उतर रहे हैं सर, सर, और हमारे साथ हैं सुमित सर मंतोष सर और अजय सर तो सर कैसा लगा आपको आज का टूर सर अजय सर आप कुछ कहेंगे आप लोग अपना बताइए आप लोग का एक्टिविटी हमारा तो नहीं है हमें भी सर बहुत आनंद आया और बहुत ही आनंद आया सर आप सभी के साथ ये अनोखा एहसास था मनोज सर आप कुछ कहना चाहेंगे कैमरे में तो सर ऐसा होना चाहिए हर हफ्ता चलिए धन्यवाद सर धन्यवाद सर तो सुनिए सर एक बार आप अपना वो जो करते हैं थोड़ा करिए सर थोड़ा सर रुकिए 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 एक बार दिखाइए सर मैं झुकेगा नहीं सर के बीचों बीच और यहाँ पे बहुत ही खतरनाक क्षेत्र है रात को सियार हमला कर देते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काफी परेशानियां होती हैं पर यहाँ के जो लोग हैं वो ये सब ट्रेंड हो चुके हैं अब वो इनसे नहीं डरते सियार भेड़िया शेर जो है अब इन्हें ही देख के भागते हैं तो आइए हम गांव वालों से मिलते हैं और पूछते हैं कि कैसा अनुभव रहा आपका खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया